नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करता हूं क्रिकेट कीड़ा के शो में। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। आपको भी प्रणाम। बस जी, बाकी फिलहाल कैसे हैं आप? ठीक ही है, कोरोना में घर में फंसे हैं और क्या। जी, समझ सकते हैं। और फिलहाल अभी कुछ देर पहले चेतन चौहान का निधन हो गया, ये खबर डिस्टर्ब कर दिया हम सबको। हाँ, मुझे भी बहुत दुख है। मुझे याद है जब जी मैं दिल्ली सेंट स्टीफंस कॉलेज में था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए खेलता था, तो मुझे जब अच्छा रणजी ट्रॉफी में अवसर मिला था, तो चेतन चौहान 1976 में आए थे यहाँ दिल्ली से खेलने के जी लिए, और बिशन सिंह बेरी जी ने उनको दिल्ली की टीम में रखा था, और जी तब उनसे मिलने का अवसर मिला। बहुत ही अच्छे सुशील तरह के व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, हंसमुख थे। सदैव जितने भी यंगस्टर्स थे उन सबों का वो मदद किया करते थे, तो हमारे लिए तो सीनियर थे तो लंबी लंबी पारियां खेलते थे, गलत शॉट नहीं जी मारते थे, लंबी इनिंग्स खेलते थे। काश मैं भी उनसे लंबी इनिंग सीखा होता खेलना, तो जो मैं 70, 80 या 100 पे आउट होता तो डबल सेंचुरी उनकी तरह भी बनाता। लेकिन आज उनकी यादें ही हमारे साथ में, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही हम आशा करते। जी जी हमारी वही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आपकी वही काफी यादें जुड़ी होंगी, आप उनके साथ में क्रिकेट से काफी हद तक करीब रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा आपको फील हो रहा होगा कि आपने उनसे इतनी मुलाकात की। क्रिकेट का सफर आपने थोड़ा बहुत उनके साथ भी बिताया है, तो काफी फर्क पड़ता होगा, अंदर से भी लगता होगा कि एक ऐसा इंसान, ऐसा लेजेंड आज हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल, ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जिंदगी के अंदर, जी और जी उनका जो योगदान रहा है, उनका चरित्र एक इंसान के रूप में भी बहुत अच्छा था। और जी जी मैं यही कह सकता हूँ कि क्रिकेट जगत को एक बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है, और शब्द नहीं है कि किस तरीके से कह सकूं, लेकिन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और उतने ही अच्छे व्यक्ति चेतन चौहान जी थे। जी एकदम सही, आपकी बात से मैं पूरी तरह से मैं हाँ कहता हूँ आपका। फिलहाल अब मैं आपसे आपकी जिंदगी के बारे में बात करना शुरू करना चाहूंगा, तो क्या इसकी इजाजत है हमको? जी हाँ जरूर, चलो। जी तो फिलहाल तो कीर्ति आजाद जी, आप हमको अपने बचपन में ले चलिए, जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था उससे पहले, जब शुरुआत, जब से आपको अपनी यादें हैं, क्या आप हमको वहां का सफर करा सकते हैं? मैं छोटा था, लगभग मेरी 9-10 वर्ष की आयु रही होगी। मेरे भाई, बड़े भाई जो आईपीएस थे 1975 बैच के और जी रिटायर हुए हैं, स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, तो वो जब सेंट माइकल्स पटना में पढ़ते थे और वहां अपनी टीम के कप्तान थे, जब वो दिल्ली आए थे एडमिशन के लिए, कॉलेज में जी एडमिशन लेने के लिए, तो उस समय वो नेशनल स्टेडियम जाते थे। वहां पे सरदार गुरचरण सिंह जी, हमारे कोच, जिनको कि द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला, वो वहां कोचिंग किया करते थे। जी तो मैं अपने भाई के साथ ही प्लास्टिक का बैट लेकर के चला जाया करता था और वहां उनके साथ मस्तीगिरी करता था। तो धीरे धीरे करते मुझे शौक हो गया क्रिकेट खेलने का। उसके बाद मेरे कोच ने भी मेरे पिताजी से कहा कि अच्छा खेलता है, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो मैं वहां पर जाने लगा। साथ ही साथ बैडमिंटन भी खेला करता था। 8वीं तक मैं जूनियर नेशनल तक भी खेला, और अच्छा मेरे लिए फिर मैं सशोपज में था कि क्या करूं, क्रिकेट खेलूं या बैडमिंटन। अंततः क्रिकेट ने बाजी मार ली और मैं उस तरफ हो लिया। तो पहले मैं मॉडर्न स्कूल में, फिर मेरा स्कूल चेंज कराकर मुझे मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में दिया गया, क्योंकि वहां पर क्रिकेट खेलने की फैसिलिटीज बहुत थी। उसके जी बाद मैं सेंट स्टीफंस कॉलेज में गया और लगातार सरदार गुरचरण सिंह जी के पास मैं कोचिंग लेता रहा उनके। उन्होंने मनिंदर सिंह, इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर, गुरशरण सिंह, विवेक जी राजदान, सुरेंद्र खन्ना, सुनील वॉल्सन जैसे बहुत सारे खिलाड़ी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए अपने जी कोचिंग में। और वहां पे बिशन सिंह बेदी भी प्रैक्टिस करने आया करते थे, मदन लाल आया करते थे, मोहिंदर अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ, तो हम लोग उनको वहां देखा करते थे। फिर मैं सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खेला, बहुत सारे रन बनाए, तो पहले ही साल में मुझे रणजी ट्रॉफी टीम के लिए बुला लिया गया। हालांकि मैं 76 में जब स्कूल में ही था तो मैं रिजर्व जी में था 76 में। फिर 77-78 में मेरा डेब्यू हुआ और मैंने डेब्यू जी जी में 51 रन बनाए थे पंजाब के विरुद्ध। उसके बाद तो फिर आगे इतिहास ही इतिहास। तो फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि आपके बड़े भाई का अहम रोल रहा है आपको क्रिकेट की तरफ आकर्षित करने में, और जो आपके गुरु रहे हैं,
और उसके बाद पर उन्होंने आगे आपको इन इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आप फिलहाल हम ये समझ पा रहे हैं आपके जवाब से। जी जी जी, और मेरे पिताजी का भी बहुत प्रोत्साहन होता था, वो खुद अपने भागलपुर यूनिवर्सिटी के वॉलीबॉल के कैप्टन थे, तो खेल तो हमारे स्कूल में था, रक्त में प्रवाह होकर मुझ में आ गया, और मैंने वॉलीबॉल तो नहीं लेकिन क्रिकेट खेली और मजा लेता रहा। जी फिलहाल ये तो मानना पड़ेगा कि माता पिता के आशीर्वाद के बिना कुछ भी आसान नहीं होता, तो माता पिता का योगदान तो हर किसी के जीवन में रहता है, और चाहे वो मेंशन करे या ना करे, वो तो खैर हम सब मानते हैं कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब भी कभी हमारे मैचेस होते थे, लीग मैचेस होता था, टूर्नामेंट होता था, फ्रेंडली मैचेस होता था, तो आज की तरह नहीं है जैसे कि बुफे लगे हुए हैं और जो बुला रहा है, तो क्या होता था कि हम लोग फिर टूर्नामेंट खेलने जाते थे या दिल्ली के लीग खेलते थे, तो इन लीगों के अंदर आपको जनरली अपना खाना ले जाना पड़ता था, तो हमारे सर क्या करते थे, कहते थे कीर्ति घर से मीट आएगा, और जो लड़के हैं भाई तुम्हारे यहाँ से 4 चपाती आएगी, तुम्हारे यहाँ से 5 चपाती आएगी, तुम कोई सब्जी बना करके लेके आओगे, तो इस तरीके से हम लोग सबको ही अपने घर से बनाकर लेके आते थे, तो मेरी माँ पूरा सुपरविजन करती थी घर में कि भाई मीट अच्छा से बना करके ले चलो, क्योंकि हम लोग मैथिल ब्राह्मण लोग हैं, तो हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा होती है, तो मीट वीट बहुत अच्छा बनता है, तो मीट मेरे यहाँ से बन करके आता था, और उसके बाद हम लोग वहां सब एक साथ मिल करके बैठ करके खाया करते थे, मेरे पिताजी उसको लेकर के ग्राउंड पे आया करते थे, तो ये सारी चीजें हैं और प्रोत्साहन तो पूरा मुझे मिला घर से। खैर फिलहाल मतलब सबका अपना अपना एक हिस्सा रहा, और जो भारत को ऐसा क्रिकेटर मिला तो सबका एक योगदान था, आपके पिताजी का, आपकी माताश्री का, और आपके जो बड़े भाई हैं, मैं तीनों को प्रणाम करना चाहूंगा फिलहाल कि उन्होंने भारत को ऐसा सितारा दिया। नहीं बिल्कुल, योगदान तो देखिए जब तक घर में किसी का हो नहीं जब तक, तब तक तो ये संभव है ही नहीं कि आप कुछ कर सकते हैं, अगर घर में आपको केवल ये कहा जाए कि पढ़ो 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 और उसके अलावा कुछ नहीं करो और दबाव देते रहो, और बच्चा जब 95% मार्क्स ले आए तब भी उसके ऊपर नाराज रहो कि तुम 100% क्यों ना लेकर के आए, मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे के ऊपर दबाव नहीं देकर के रखना चाहिए, जो उसकी प्रतिभा है उस प्रतिभा में उसको रहने देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, दुनिया भर में जितने बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जितनी दुनिया भर में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, क्या उसके सबके सीईओ सीएफओ सीओओ क्या सबने फर्स्ट क्लास फर्स्ट है एमबीए, क्या जिन्होंने एमबीए की भी है, आईटी की है, आईएम किया हुआ है, क्या सारे फर्स्ट क्लास फर्स्ट वाले हैं? जो आदमी स्ट्रीट स्मार्ट होता है, किताबों से आपको ज्ञान मिलता है, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन किसी को दबाना नहीं चाहिए कि उसके ऊपर जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव देते रहो कि नहीं तुम्हें ये करना है ये करना है ये करना है, कुछ अनुभव से भी आप बहुत ज्यादा सीखते हैं, जो ज्ञान किताबों में है वो किताबों में है, लेकिन जो आप अनुभव व्यक्तिगत रूप से बाहर कर सकते हैं वह अनुभव वह अनुभूति आपको किताबों से नहीं मिलती, इसलिए कभी भी जिसमें एक प्रतिभा हो क्षमता हो उसको रोकना नहीं चाहिए, करने देना चाहिए। जी मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और आपकी बात कहीं ना कहीं हर इंसान मुझे भी समझनी चाहिए कि यह हर इंसान के लिए जरूरी है कि उसको स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए और अनुभवों से सीख लेना चाहिए। तो फिलहाल मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पे जब आप क्रिकेटर बनने की तैयारी कर रहे थे, यानी कि शुरुआती दिनों में, आप किस क्रिकेटर को सबसे ज्यादा एडमायर करते थे, यानी कि आपके रोल मॉडल कौन थे? मैं जब छोटा था तो मैंने एक तस्वीर देखी थी और वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की थी, विक्टर ट्रंपर, वो पता नहीं 1886 या कब खेलते थे, ऐसे करके उन्होंने बल्ला उठाया और जोर से जंप करके बाहर निकले हुए, तो मुझे वो ऐसा लगता था कि जैसे कोई लड़ने के लिए जा रहा हो, तो क्योंकि मैं एक शुरू से आक्रामक था तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मैंने अपने गुरुचरण सिंह जी को बहुत देखा, क्योंकि वो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, और क्योंकि हमारे यहाँ ये सारे क्रिकेटर आते थे तो इनको हम देखते थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे उनको देखते थे, फिर जैसे बड़े हुए तो सुनील गावस्कर और जी आर विश्वनाथ को हमने देखा, और जी आर विश्वनाथ एक ऐसे खिलाड़ी एकमात्र कि उन्होंने जब सेंचुरी बनाई तब इंडिया नहीं हारा वो टेस्ट मैच, जब जब सेंचुरी बनाई है भारत, हाँ वो कभी भारत टेस्ट मैच कभी नहीं हारा गुंडप्पा विश्वनाथ का, तो वो मेरे लिए एक बड़े ही जबरदस्त बल्लेबाज थे, छोटे थे, 5 फीट 1 इंच के रहे होंगे, और उनसे फिर बाद में उनके साथ मुझे टूर करने का मौका भी मिला, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 1980 और 81 में गया, वह उनका अंतिम टूर था,
लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान थे और क्या खिलाड़ी थे, साथ में सुनील गावस्कर की परफेक्शन, उनका क्या वो था, स्ट्रेट ड्राइव मारना, खड़ा होना, उनकी एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही सुंदर। कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट का एक अनसंग हीरो रहे हैं गुंडाप्पा विश्वनाथ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जैसे आपने बताया कि वो मैच विनर बहुत बड़े रहे हैं कि जब जब सेंचुरी मारी इंडिया जीती है, पर फिलहाल मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि एक बहुत बड़े सितारे रहे हैं और अनसंग हीरो रहे हैं, उनको उतना तो प्रेज मिला नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने जी जी। और उस समय मैं आपको बताऊं कि उतना टेलीविजन और ये सब भी नहीं था, जैसे आज टेलीविजन में आप वर्ल्ड कप देखते हैं, हमारे 1983 में कहां ऐसे कैमरे थे या कहां कुछ ऐसा था जब 1983 का विश्व कप जीते। लेकिन उस समय जब हम खेलते थे तो हम लोगों को सिखाया था बिशन सिंह बेदी ने, हमारे कैप्टन थे, उनकी कप्तानी में दिल्ली पहली बार रणजी ट्रॉफी 77-78 में जीती थी। उसके बाद फिर हम पूरे 80 के दशक में हम लोगों ने टूर्नामेंट ये रणजी ट्रॉफी जीतते रहे। और वहां एक व्यक्ति थे जो आपको लड़ना सिखाया, उन्होंने आपको बताया कि आपका आपकी प्रतिष्ठा आपकी प्राइड वो क्या होती है। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप एंजॉय तो करते हो, आनंद तो जरूर खेल का उठाते हो, लेकिन आनंद का और मजा आता है जब अच्छा प्रदर्शन करते हो और जीतते हो। इसलिए लड़ो, अच्छा खेलकर हार जाओ कोई गम नहीं, लेकिन खराब खेलकर हारोगे तो जरूर नाराजगी होगी। तो वह भी थे जो जिस प्रकार से ऐसे लोगों से मिले हम लोग अपनी जिंदगी में जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, तो सुभिशन सिंह बेदी जी भी को भी मैं एक अपना रोल मॉडल सा मानता हूं। तो गुंडप्पा विश्वनाथ और बिशन सिंह बेदी से आप काफी प्रभावित हुए जब आप क्रिकेट खेल रहे थे और ये आपके क्रिकेट खेलने के दिन शुरू हुए थे, जैसे मैं समझता रहा। जी जी बिल्कुल सही जी। ठीक है, मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। आपका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा क्योंकि आप 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मतलब इंडिया अंडरडॉग्स थी, वेस्ट इंडीज ने ही विश्व कप जीता था और कहीं ना कहीं टीम तो मजबूत थी पर ऑफकोर्स अंडरडॉग्स थी क्योंकि लोग ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते थे, इंग्लैंड का नाम लेते थे, पर इंडिया का नाम कोई नहीं ले रहा था। उसके बाद ऐसा क्या बदला जो अल्टीमेटली जिसने पूरा इतिहास बदल दिया, भारत में क्रिकेट बदल दिया, हम वर्ल्ड कप जीत गए, तो ऐसा क्या हुआ था उस वर्ल्ड कप में? आप जो की टीम का हिस्सा थे तो सबसे करीब से आप बता सकते हैं वो चीज। मैं उस समय इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था लैंकाशायर में और मेरे साथ जिमी अमरनाथ मतलब मोहिंदर वो थे, सुनील वॉल्सन, रवि शास्त्री, मदन लाल, हम लोग सभी इंग्लैंड में खेल रहे थे जब हमें सूचना मिली कि हम हमारा नाम टीम में आ गया है। तो जब कपिल का फोन मुझे आया इंग्लैंड में तो मैंने उसे कहा भाई थैंक यू वेरी मच, ये गॉट वन मंथ फ्री पेड हॉलीडे, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड कप की बातें शुरू हुई और वर्ल्ड कप होना है तो ये 8 टीमें थी, उन 8 टीमों में हमारा जो पोजिशन दिया था 66-1 यानी 1 पॉइंट लगाओ और 66 पॉइंट लो अगर भारत जीते, तो हमसे केवल नीचे एक टीम थी जिम्बाब्वे। और मैं आपको वो 8 टीमें दिखाता हूँ जो थी, वो मेरे पास अभी तक नहीं दिखाई दे रहा आपको। जी 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 दिख रहा है मुझे। ओके हाँ, ये 8 टीमें थी हमारी और हम खेले थे। हमारा हमारी जो टीम खड़ी है वह कहाँ पर है भाई? ये हमारी अच्छा इधर से सेकेंड वाली थी, थर्ड वाली थी। ओके लेफ्ट से थर्ड वाली, ठीक है। तो हम लोग जब वहां पहुंचे तो हमने यही कहा, हम में से बहुत लोग थे जिसको विश्वास ऐसा हो नहीं रहा था हम जीतेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी थी, इंग्लैंड बड़ी अच्छी थी, न्यूजीलैंड की टीम बड़ा अच्छा कर रही थी और किसी ने हमें चांस ही नहीं दिया था, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर था। तो हम लोग आपस में हंसी मजाक करते थे। हमारी टीम में एक आदमी था जो सदैव शुरू से लेकर अंत तक लड़ाका आदमी, विश्व का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर उसको मैं मानता हूं, इसलिए मानता हूं कपिल देव को जो हमारे कप्तान थे, कि वह व्यक्ति केवल बैटिंग या बॉलिंग नहीं, अगर केवल फील्डिंग फील्डर के रूप में भी किसी इंटरनेशनल टीम में जगह पा सकता था किसी भी वर्ल्ड इलेवन के अंदर। और वो व्यक्ति ऐसा था जो सदैव उसके मन में ही आग जलती थी कि हम जीत सकते हैं, नौजवान था सब कोई थे, सुनील गावस्कर भी सोचते थे हाँ जीत सकते हैं अगर हम अच्छा खेलें, लेकिन कपिल के अंदर अटूट विश्वास था। हम में से बहुत सारे थे जो सोचते थे नहीं यार कैसे जीत पाएंगे, इतनी जबरदस्त टीम है, कुछ थे कि हाँ जीत सकते हैं, फिर कहे हाँ यार नहीं भी जीत सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो इंग्लैंड में खेल रहे थे उनको छोड़ करके जो बाकी टीम के लोग थे उनका राउंड रॉबिन यानी लीग सेमीफाइनल के पहले लीग में सबको पता था कि हार जाएंगे,
तो सबने एक अमेरिका जाकर के मैच खेलना था, सबकी टिकट कटी हुई थी वाइफ के साथ कि वो सब जाएंगे इंग्लैंड, वहां मैच खेलेंगे और फिर वापस आएंगे। किसको मालूम था कि पहला ही मैच हम वेस्ट इंडीज को ठोक देंगे, और यशपाल का उसमें क्या जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली, और वेस्ट इंडीज को हमने हराया तो एक दूसरे को चूटी काटते रहे, आप सच में जीत गए क्या? तो हमें बड़ी खुशी हुई, सरप्राइज था, जबरदस्त न्यूज बना वो। तो लोगों ने कहा ये तो फ्लैश इन द पैन था, ये तो ऐसी ये जीत गए, अगला मैच हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, जिम्बाब्वे से हम 75-5 हो गए, और फिर कपिल देव की वो जबरदस्त बल्लेबाजी थी, 175 रन जो उन्होंने बनाए, 17-5 थे, हाँ उसके बाद मेरे ख्याल से 60-7 हो गए थे 65 पे, और उसके बाद सैयद किरमानी के साथ जो बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी नहीं देखी, ऐसी बल्लेबाजी नहीं देखी। एक बार उन्होंने शुरू के ओवर निकाले, उसके बाद जो मारना शुरू किया, और वो टनब्रिज वेल्स का जो पेवेलियन था वो टीम का बना हुआ था, तो जब छक्का उसको पड़ता था तो टन 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 उस पर लगता था, टन 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 करके नीचे एडबस्ते, ऐसे लगता है लड़ी चलती है ना दिवाली तक, वैसे आवाज आती। क्या बल्लेबाजी उन्होंने की, उसके बाद से हम सबों को हो गया ये विश्वास कि हम यह टूर्नामेंट जीत सकते हैं, सेमीफाइनल तो पहुंचो। और उसके बाद फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो खास क्वेश्चन पे कि भाई इतने इतने रन हमने बनाने हैं, इतने अंदर उनका आउट करना है, तो कपिल ने कहा ये दिमाग छोड़ो यार एवरेजेस का कि क्या क्वेश्चन है, चलो अच्छा खेलो और मैच जीतो, और हम मैच जीत गए और सेमीफाइनल में पहुंचे। अब सेमीफाइनल में हम पहुंचे तो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में था, और वहां के दो लोकल लड़के थे जो टीम में खेलते थे, क्रिस कैबरे और फाउलर था शायद, ग्रैम फाउलर, तो यह दोनों बीबीसी पर थे और ये बात कर रहे थे कि हम फाइनल में जो वेस्ट इंडीज से खेलेंगे और ये करेंगे, भैया हमसे सेमीफाइनल तो खेल दो पहले, लेकिन उनको हमारी सेमीफाइनल इंडिया के बारे में नहीं, उन्होंने बात ही नहीं की, एक बार भी नहीं कहा, और हम वेस्ट इंडीज से ऐसे खेलेंगे तो हम ऐसे मारेंगे, पिछली बार वैसे फाइनल में हार गए तो ये हो गया तो वो हो गया तो फलाना हो गया निपटाना हो गया। अगले दिन अखबार में मैच से पहले सबको दिखाया गया कि ये तो ऐसा ही है और वेस्ट इंडीज के लिए चलेंगे और ये रिकॉर्ड टीम है, ये है वो है, और वहां मैच भी शुरू हुआ तो 90 या 96 पे 2 ही विकेट 14 ओवरों के अंदर, उस समय 4-5 की एवरेज निकालो तो बड़ी अच्छी मानी जाती थी, जी जी एकदम सही, 14-15 ओवरों के अंदर तब कपिल ने एक तरफ से मोहिंदर अमरनाथ को बॉलिंग कराई और एक तरफ से मुझे दिया, और दोनों ने एक एक ओवर करके हमें करना था कि 6-6 करेंगे, दोनों ने 12-12 ओवर कर दिए, हमने आपस में 4 विकेट भी निकाल लिए, हमने केवल 55 रन दिए, हमने पूरी तरीके से उनको जैम कर दिया, दबा दिया सब तरफ से, जैसे ट्रैफिक जैम में गाड़ी फंस जाती है ना वैसे, एक तरफ से जिन्हें ने एक तरफ से मैंने, और उससे मैंने इयान बोथम का विकेट लिया। अब हमारी फिल्म आ रही है 83 जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण है, वो हमारी सारी जर्नी है, आपको बड़े सारे उसमें मजेदार किस्से मिलेंगे मैदान के और मैदान के बाहर के, तो उसमें जब मैंने गेंद डाली के लिए, हाँ तो मैंने जब गेंद डाली थी वो तो विकेट में क्या था ना, बाउंस था ना गेंद, तो बल्ले पे गेंद आ रही थी, जब तक गेंद बल्ले पर नहीं आई तब तक स्ट्रोक खेलना उतना मजा नहीं आता, नहीं उसका आनंद करना पड़ता, आनंद हो पाता है। तो मैंने देखा, मैंने स्लो बॉलिंग शुरू कर दी, वो था आया, उसने एक दो बार उल्टी सीधी शॉट ट्राई की मारने की, नहीं भी कट करने के लिए गया, बॉल पड़ी ऑफ स्टंप पे, टर्न भी और लो रही और विकेट के लेग स्टंप के 1 इंच या 1.5 इंच 2 इंच ऊपर लगे, एकदम बॉटम पे जाकर। तो एनीवेज जो भारतीय क्राउड था तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि बोथम से बड़ा नफरत करता था वहां, और अब क्राउड के लोग आने लगे, कोई 1 पाउंड, कोई 2 पाउंड, कोई 5 पाउंड, कोई 10 पाउंड, किसी ने तो 50 पाउंड का एक ने नोट दिया मेरे को, तो 200-250 पाउंड मेरे जेब में हो गए उसके उसके आउट को मैंने करने के बाद। तो एनीवेज कपिल और सब साथ में थे, तो कपिल ने मुझसे पूछा कि भाई ये बॉल कैसे करी, या तो बॉल लो रहेगी या टर्न करेगी, तो लो भी रही और टर्न भी कर गई, ये कैसे किया? अब मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या जवाब दूं, मैंने कहा ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो हमारे जब ये फिल्म लॉन्च में थी, जिस दिन अनाउंस हुआ था फिल्म का, तो उस दिन सबको कुछ बोलना था, तो मैंने ये वाक्य बताया, और वहां पे सारे पत्रकार और इन्वाइटेड लोग 2500-5000 के करीब लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुई थी बात, में से कपिल ने पूछा, आज 37 साल हो गए हैं, अगर आप किसी को ना बताएं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, उस दिन का गेंद किया हुआ और आज मुझे नहीं मालूम कि बॉल हुई कैसे। खैर ये तो है, वो चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि तो बॉल नीचे भी रह गए और टर्न भी कर गए, ये तो मैंने भी आज तक इतिहास में कभी खेलते हुए भी नहीं देखा। तो क्रिकेट में ऐसा था कि क्या होता है कि जहां विकेट अनइवन बाउंस वाली हो तो वहां पे लो रहेगी, टर्न नहीं करेगी, या टर्न करेगी जंप कर जाएगी, बट जो विकेट नॉर्मल हो, परफेक्ट हो, जिसमें बॉल लो रह रहा हो,
लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से ज्यादा लो रहेगा। यह विकेट कोई अनइवन बाउंस वाली नहीं थी, ये बहुत अच्छा विकेट था, इंडियन विकेट जैसा था, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही थी, आपको इंतजार करके शॉट खेलना था, तो उसमें यह हुआ। तो उन्होंने भी मजाक में पूछा, मैंने भी वैसे ही मजाक में जवाब दिया और 37 साल बाद भी उसका जवाब दिया। तो मेरे को जब पता लगा कि विकेट बिल्कुल स्लो है, विकेट के अंदर बाउंस और पेस नहीं है, तो और स्लो करो, क्योंकि जब बल्ले पे पहुंचेगी ही नहीं गेंद तो बैट्समैन स्ट्रोक क्या मारेगा। सही बात है, एकदम सही बात है। जी 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 और उसको अगर अगर बॉल में हल्की सी पेस भी नहीं मिलेगी तो बॉल मार भी लिया तो बॉल कहां जाएगी, 30 यार्ड तो क्रॉस करेगी नहीं। वो होता जी जी तो फिलहाल जब 183 रन बोल्ड्स पे थे फाइनल में, तो ड्रेसिंग रूम में क्या था? ये तो मैं मानता हूँ कि कपिल जी का जो माइंडसेट था वो डे वन से जीतने का था, और सारे लोगों ने कहा था कि इंडिया का जो नाम था सेकेंड लास्ट नंबर पे था फेवरेट्स में, फाइनल में 183 थे, तो उस वक्त क्या था? क्योंकि वेस्ट इंडीज फ्यूचर्स और तमाम बड़े बैट्समैन थे। फाइनल के अंदर जो परिस्थिति थी वह हम 183 पर आउट होकर के आ गए, ग्रीन टॉप विकेट दे दिया, जबकि हम अपेक्षा रखते थे कि वनडे मैच है, फाइनल है, वर्ल्ड कप है, तो अच्छी बैटिंग ट्रैक होगी, लेकिन खूब घास था वेस्ट इंडीज के अंदर, तो एक से एक नामी गिरामी तेज गेंदबाज, बेस्ट वेस्ट इंडियन टीम एवर फॉर अ वन डे जिसको कहा जा सकता है, जिसमें एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर जैसे चार चार फास्ट बोलर्स हों, गॉर्डन ग्रीनिज हेन्स है, उसके विव रिचर्ड जैसा मास्टर हो, क्लाइव लॉयड जैसा कप्तान और बैट्समैन हो, और फिर लैरी गोम्स, स्पॉट बैकर्स, जेफ ड्यूजॉन और ये पांच चार फास्ट बोलर्स हों, ये टीम तो अलग ही थी। इन्होंने हमें तो 183 पे धाराशाह ही कर दिया, आधे लोग तो निकल कर हिंदुस्तानी थे वो तो चले ही गए, उसमें से बीच में सुनील गावस्कर की वाइफ भी चली गई, कपिल और मदीपा की वाइफ भी चली गई, मदन लाल जी की वाइफ की, अरे क्या है, क्योंकि वहां काले उनके सामने डांस करने लगे जो वेस्ट इंडियन थे। तो हम जब आए 183 पे आउट होके तो सब चुप थे, तो कपिल ने कहा हमने 183 बनाए हैं, इनको 183 बनाने हैं, तो लेट्स गो, लड़ो जवानों, लेट्स एंजॉय द गेम, एक एक रन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देखा जाएगा जो उसके बाद। तो इतिहास है, बलिंदर सांधू का ब्यूटीफुल इंस्टिंग था दिल्ली ऑफ स्टंप बाहर, वेल लेफ्ट कर गए गॉर्डन ग्रीनिज आउट, ऐसे ही एक बार बर्मिस ने आउट किया था पिछले उसके एक साल पहले, बलिंदर सांधू ने गॉर्डन ग्रीनिज को ही वेल लेफ्ट करते हुए बोल्ड किया। उसके बाद विव रिचर्ड आया, उन्होंने ठोकना शुरू किया तो हमने कहा तो अब 30 ओवर में मैच गया, और तभी वो शॉट मारी और कपिल देव पीछे भागते हुए 30 गज का उन्होंने वो कैच पकड़ा, कोई और खिलाड़ी होता उस जमाने का तो वो कैच नहीं पकड़ सकता था, और अगर वो समय देखो जब कैच पकड़ने के लिए कपिल पीछे भाग रहा है तो साइड से यशपाल शर्मा और क्राउड से लोग आ रहे हैं, ये डर लग रहा कि टक्कर ना हो जाए आपस में, पता नहीं अगर ध्यान से तुमने देखा हो तो। मैं जब कभी वो मैच देख रहा होता हूं और वहां पे आता हूं ना, तो मैं फटाक से 5 फॉरवर्ड कर देता हूं कैच के समय कि कहीं आदमी टकरा गया और कैच छूट गया तो वर्ल्ड कप हार जाएंगे, इतना आज वो इतना क्रूशियल मोमेंट मानते हैं। यस, बहुत क्रूशियल था, फैंटास्टिक कैच। उसके बाद तो दबाव ही पड़ गया पूरा वेस्ट इंडीज, उसके बाद फिर वो उबर नहीं पाया, और कहीं ना कहीं जब उनका विकेट गिरा वो सोच में आ गया होगा कि अब हम लीड कर रहे हैं और यहां से अब जीत हम अपने हाथ से ही हार सकते हैं, अपनी वजह से ही हार सकते हैं, बाकी तो जीत हमारी है। नहीं, उस समय ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि क्लाइव लॉयड आए, लैरी गोम्स आए, फोर्ड बैकस आए, बैटिंग तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन हमारे जो बोनस थे रॉजर बिनी, मदन लाल, जिमी अमरनाथ, इन लोगों ने बड़े अच्छे लाइन और लेंथ से ना कंट्रोल्ड बोलिंग की, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की, हमने कहा यार पकड़ के रखो एक लाइन लेंथ, इनकी विकेट गिरेगी तो ये प्रेशर में आते हैं और लो स्कोरिंग मैच हरदम डिफिकल्ट हो जाता है। जी हो गई, तो फाइनल था जी जी। तो फिलहाल उस दिन के बाद से ना भारत में क्रिकेट का मतलब ही बदल गया उस दिन के बाद से, क्योंकि वो जीत थी फिर भारत में क्रिकेट का परचम लहरना शुरू हुआ था, और शायद अगर वो जीत ना होती तो क्रिकेट इतनी जल्दी डेवलप ना कर पाता भारत में। 83 तक तो हमें कोई कुछ समझता ही नहीं था जी, 83 के बाद क्रिकेट का सुपर पावर बन करके भारत आया, हमारे आईसीसी में प्रेसिडेंट बने, चेयरमैन बने, आईसीसी के अलग अलग कमिटीज में हमारे हिंदुस्तान से लोग गए, 1987 में हम वर्ल्ड कप लेकर के आए, रिलायंस ने उसको स्पॉन्सर किया था, और हमारी 83 के जीत के बाद क्रिकेट का एक उमंग अलग ही हो गया, कॉर्पोरेट हाउसेज आने शुरू हो गए, लोकप्रियता बढ़ गई 83 विश्व कप जीतने के बाद, उसके बाद ESPN स्टार स्पोर्ट्स आए करने के लिए, उससे पहले तो दूरदर्शन होता था,
और शॉट मार रहा है, मिड ऑफ में चला जा रहा है, वो मिड ऑन में पता लगा कि कैच हो गया थर्ड मैन में, तो और ये चौका हो गया, नहीं वो आउट हो गए, यही चलता था और क्या चलता था। तो एकदम सही सहमत। उसके बाद ये सारे आए, उसके बाद स्पॉन्सरशिप बढ़नी शुरू हुई, एडवर्टाइजमेंट बढ़नी शुरू हुई। तो हम लोग जिस समय खेलते थे 1500 रुपए मिलते थे एक मैच के, आज खुशी है कि वह कमर्शलाइजेशन हुआ है, हमारे खिलाड़ियों को अच्छा पैसा मिलता है, नहीं तो हमसे जो पहले खेलते थे उनको 50 रुपए रोज के मिलते थे। एक बार बिशन पाजी बता रहे थे, बिशन सिंह बेदी था, कि उनको 50 रुपए रोज के यानी 250 रुपए मैच के मिलते थे। तो न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई हुई थी और उन्होंने 4 दिन में मैच हरा दिया उनको, तो बोर्ड वालों ने 50 रुपए काट दिए, कहा 4 ही दिन मैच खेले उससे 200-200 रुपए लो, और ट्रेन से जाया करते थे थर्ड क्लास से। तो हमारे आने के बाद तो परिस्थिति काफी बदली, पैसा आया, बहुत कुछ हुआ, और हम लोग जब जीते तो बोर्ड के पास पैसा ही नहीं था। तो लता मंगेशकर जी ने उनका एक लता मंगेशकर जी नाइट हुआ था इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में, जिसको अब इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम बोलते हैं, तो उस में हुआ था, और वहां पे फिर जो पैसा इकट्ठा हुआ तो 1-1 लाख रुपए हम लोगों को तब दिया गया। खैर आप लोग का तो बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और मुझे लगता है कि आप लोग की वजह से आज भारत में क्रिकेट इतना चरम पे है, तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला स्टैंडर्ड नहीं, क्रिकेट देखने वाला स्टैंडर्ड भी, सारे इतने सारे फैंस है क्रिकेट के, तो कहीं ना कहीं 83 टीम को मैं नमन करता हूं कि उनकी वजह से आज क्रिकेट इतना आगे है भारत में। हाँ ये कह सकते हैं हमारा भी योगदान है, लेकिन हमसे पहले जो थे उनका भी योगदान, उनका भी योगदान तो सबका है, एक के बाद एक पीढ़ियां बदल सकती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 83 के बाद पैसा आया, एक्सपोजर आया, टेलीविजन आया, आईसीसी पे हमारी क्या बोले जबरदस्ती बढ़ी, पकड़ बनी, तो यह 83 के बाद जरूर हुआ, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। आज की टीम देखिए क्या टीम जबरदस्त है, विराट कोहली है, धोनी अभी रिटायर करके गए हैं, तीनों वर्ल्ड कप उन्होंने जीते भारत के लिए, तो इनका योगदान कोई कम थोड़ा है। और टीमों को कभी भी आप लोग तुलना करते हैं, टीमें कभी तुलना हो ही नहीं सकती, एक खिलाड़ी की दूसरे से तुलना हो ही नहीं। हाँ दो युगों के खिलाड़ी हैं तो अलग परिस्थितियों से आए हैं, अलग वो चीजें हैं, तो कभी नहीं हो सकता। फिलहाल मेरा अगला सवाल धोनी के ऊपर ही था कि धोनी ने कल संन्यास ले लिया है और सुरेश रैना भी ले लिया है, दोनों बहुत बड़े सर्वेंट रहे हैं भारतीय क्रिकेट के, तो आपको क्या लगता है धोनी मतलब ना अभी विश्व कप एक साल पहले 13 महीने पहले खत्म हुआ था, तो संन्यास तब ले सकते थे, आप क्यों लिया अचानक से, क्या लगता है आपको उसके पीछे क्या कारण रहा होगा जो अचानक से आईपीएल सीजन के ठीक पहले ले लिया संन्यास? मैं और आप या दूसरे पूछने वाले कौन होते कि उन्होंने संन्यास कब लिया, क्यों लिया, कैसे लिया? जिस आदमी ने T20 चैंपियंस कप और वर्ल्ड कप जीत करके आपको दिया हो, जो कैप्टन कूल हो, जो ग्रेट फिनिशर हो, जो ये लगता हो कि पता नहीं मैच क्या हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो अंतिम ओवर तक ले जाकर भारत को जिताता हो, जिसने विराट कोहली जैसा जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था और यंगस्टर था, उसने विराट कोहली को प्रोत्साहित करके ऐसा बैटिंग किया कि आज देखिए वो विश्व का सबसे बढ़िया खिलाड़ी बनकर के सामने उभरा हुआ है और खेल रहा है, एंड ही लीड्स बाय एग्जांपल। तो यह कुछ चीजें थी धोनी की, कभी भी चेहरे पे शिकन नहीं देखते थे, अगर बहुत ही कोई ऐसी विषम परिस्थिति चल रही है, टीम फंसी हुई है, तो आपको उनके चेहरे पे शिकन नहीं दिखता था, और वह ऐसा लगता था जैसे कि जो प्रतिद्वंदी है सामने उसकी जो चाल है वो जानते हो, उन्होंने कभी शिकन नहीं आने दी, कभी कुछ नहीं होने दिया, कूल आदमी था, ठंडा आदमी था, अपने यंगस्टर्स के साथ मिल करके उनको साथ खेलना, कभी भी ये सीनियर जूनियर की दूरी उससे कहीं नहीं होने दी। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दो के अलग होते हैं, कपिल देव का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स था, और ग्रेट ऑलराउंडर था, उसकी भी कप्तानी वैसी थी, सुनील गावस्कर की वही बात थी, सचिन तेंदुलकर की वही है, वही सीके नायडू की थी, या वही लाला अमरनाथ की थी, या वही मीनू वनकट की थी, बहुत सारे अपने चारों स्पिनर्स थे हमारे हिंदुस्तान के, दुनिया के सबसे बड़े, तो सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसमें यह एक अद्भुत कैरेक्टरिस्टिक्स अपने धोनी का था। पर मुझे लगता है कि अभी ये T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल होना वो खेल सकते थे, फिटनेस थी उनके साथ, मुझे दुख बहुत हुआ उनके संन्यास से पर्सनली, क्योंकि अभी भी वो खेल सकते थे, खेल सकते थे नहीं खेल सकते थे मैं तो नहीं कह सकता, अगर उनके शरीर उनको ये कह रहा हो कि मैं नहीं खेल सकता हूँ तो नहीं खेल, पर वो तो हमें उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे या हर इंसान को उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बाल की खाल मत निकालिए, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं कि मैं और आप उनके इन सब चीजों पर डिस्कस करें। जी जी एकदम सही बात है आपकी। ठीक है तो मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। आजकल काफी चर्चे चल रहे हैं कि भारतीय टीम में स्प्लिट कैप्टेंसी होनी चाहिए, मतलब रोहित शर्मा फॉर वनडे एंड विराट कोहली फॉर टेस्ट, दोनों लेजेंड हैं, बट आपको क्या लगता है कि
विराट कोहली जो फिलहाल अभी चल रहा है, ये सही है कि स्प्लिट कैप्टेंसी कोहली को आराम देने के लिए होनी चाहिए? मुझे एक चीज ये बताएं, जी जी विराट कोहली में कोई कमी है या कोई गड़बड़ है? क्यों स्पेकुलेशन करते हो यार, मजा देखो ना मैच का। मैं इन सब चीजों पे कमेंट करूंगा, रोहित मेरे लिए वैसा ही है जैसा मेरे लिए विराट है। वो हिंदुस्तान के लिए दोनों खेलते हैं, दोनों की शैली अलग है। और अगर सेलेक्टर्स ये समझते हैं कि नहीं इसको होना चाहिए, तो क्या वो सेलेक्टर्स बेवकूफ है? तो मुझे ये लगता है कि इन सब चीजों की स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, खेल का आनंद लो, टीम का सपोर्ट। सही बात है, और विनिंग स्पिरिट मत रखो, स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट रखो। एकदम सहमत हूं मैं आपकी बात से कि ऐसा होना ही चाहिए, लोग की सोच भी ऐसी ही होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके थ्रू कम से कम लोगों को समझ में तो आया कि लोग इस तरह जज करें, दोनों इतने बड़े लेजेंड्स रहे हैं और जब सब सही चल रहा तो क्या जरूरत है लोग को ऐसा समझने की कहीं ना कहीं। मगर मैं ये बात कहता तो लोग ना समझता, पर आपने ये बात कही तो शायद लोग को समझ में आएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जवाब फिलहाल। मेरा आखिरी सवाल है, कोविड 19 से काफी ब्रेक रहा है, तो आपको क्या लगता है कोविड 19 के बाद क्रिकेट में कुछ चेंज आएगा? जैसे कुछ रूल्स चेंज हुए हैं फास्ट बॉलर्स के लिए, तो उससे फर्क पड़ेगा? आप इतने पुराने खिलाड़ी रहे हैं तो आपको क्या लगता है? देख खेल तो वही रहेगा, कानून बदलते रहेंगे, बॉल को पकड़ने का तरीका वही है, स्पिन करने का, स्विंग करने का, बैट को पकड़ने का तरीका वही है, शॉट खेलने का तरीका वही है, इम्प्रोवाइजेशन क्रिकेट में होती रहेगी। तो मैं इन सब चीजों पर, अगर कोई खिलाड़ी खेलता है, कोई प्रोफेशनल है, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता, उसको याद रहता है कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए बस, बाकी तो सब कुछ कर सकता हूं ना। तो इन सब चीजों को सोचने लगे कि यहाँ कमी हो जाएगी, इससे गड़बड़ हो जाएगा, इससे वैसे हो जाएगा, वैसे कभी भी खिलाड़ी सोचता नहीं है। खिलाड़ी सोचता है लक्ष्य, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी जी जी, वैसे ही सारे खिलाड़ियों को दिखती है। तो कानून बदलते हैं, पहले हमारे समय में सर्कल नहीं होता था 30 yard सर्कल, अब 30 yard सर्कल आ गया जी। पहले हमारे यहाँ बाउंसर की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अब बाउंसर की रिस्ट्रिक्शन आ गई। तो कानून तो बदलता रहा है, पहले नो बॉल पिछला जो होता था बॉलिंग क्रीज, वो अगर काटो तब होता था, अब क्या है कि पॉपिंग क्रीज के आगे पैर जाएगा तो नो बॉल होगा। तो कानून तो बदलते रहे हैं लेकिन खेल तो चलता रहा है और एक से एक महान खिलाड़ी होते रहे। जी जी सही बात है। तो फिलहाल मतलब कुछ जो खिलाड़ी होता वो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता, और जो नहीं सोचेगा वही इसको पार पा पाएगा, चाहे स्वेट वाला रूल हटा दें, चाहे सलाइवा वाला रूल, चाहे सलाइवा बैन कर दें, चाहे पावर प्ले घटा बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है मुझे समझ नहीं आता। जी जी सही बात है। चलिए फिलहाल मुझे जी जी आप बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए जी। फिलहाल मैं अपने सवाल मेरे हो गए हैं और मुझे मतलब मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया। और वो जो 1983 फिल्म है मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और मैं जो आपने मुझे बात बताई वो वाली उसका मैं इंतजार करूंगा कि कैसे वो मोमेंट रहे उस। जी जी और मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगा आपको हमारे साथ बात करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन देने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, तो बहुत आभार रहेगा आपका। कभी भी कहना यार, आएंगे जरूर क्रिकेट कीड़ा पर। जी जरूर जरूर, बाकी कभी मैं दिल्ली आऊंगा तो क्रिकेट को कीड़ा क्यों बना दिया यार? एक्चुअली ये क्रिकेट कीड़ा इसलिए नाम रखा क्योंकि बहुत लोगों में जब क्रिकेट का कीड़ा होता है ये उन्हीं लोग के लिए है जिनमें क्रिकेट का कीड़ा हो। मतलब एक्चुअली क्रिकेट का कीड़ा नहीं है ये, मतलब जिनमें क्रिकेट का कीड़ा हो, मतलब जिनमें जैसे कि आज के लिए मॉडर्न मैच है, जिनमें क्रिकेट के लिए वो अलग तरह की मोहब्बत है एज अ क्रिकेट फैन, उनके लिए है, तो इसीलिए नाम कीड़ा हो गया। आजकल ये मॉडर्न भाषा में कीड़ा कहा जा रहा है। नहीं बड़ा अच्छा नाम है क्रिकेट कीड़ा। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल कभी मैं अगर दिल्ली आऊंगा तो जरूर आपका समय चाहूंगा आपसे और समय बिताना। फिर आमने सामने बैठ करके हम लोग करेंगे इंटरव्यू। जी जरूर, और जिंदगी के बारे में आपसे कुछ, आपसे बहुत कुछ जानना भी चाहूंगा मैं, आपके जो अनुभव रहे हैं उनसे सीखूं। जी जी चलिए ठीक है, मैं प्रणाम। थैंक यू सर। ओके।